आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल 14 का, जहां पर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए जानते हैं इनको किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये फुल्ली कलर्ड एंड अपडेटेड मॉड्यूल है। यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कलर के थ्रू। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर रहेंगे और आप इनको ईजी से रिकॉल कर पाएंगे। कलरफुल मॉड्यूल है, इट मीन्स यहाँ पर आपको कलरफुल डायग्राम, इमेजेस, इनके थ्रू कॉन्सेप्ट को आसान बनाया गया है। फ्लो चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है, जिससे कि आप समराइज्ड वे में सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से रिमेम्बर रख पाएँ और इनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। चलिए देखते जाते हैं किस प्रकार से इनको प्रिपेयर किया गया है, जिसके लिए हमने इसे इजी टू लर्न कहा गया है। आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है, अब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले जैसे हम इस बुक को ओपन करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर जीपैट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी यहाँ पर आपको टैगिंग देखने को मिलने वाली है। देख पाएंगे कहाँ पर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको आइडिया यहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे इंडेक्स पेज में आएंगे, सबसे पहले बात करें तो बायोकेमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है, फिर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी को कम्प्लीटली यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट यहाँ पर से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर आप पूरी ये चीज़ों को देख सकते हैं, इंडेक्स में ही आपको समझ आ जाएगी कि सभी टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चलिए तो बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो स्टार्ट आपका जैसे कि हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही आप देख पाएंगे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है और यहाँ पर टैगिंग भी आप देख सकते हैं, जीपैट 2023 में यहाँ पर से क्वेश्चन लिया गया है। देखेंगे यहाँ पर टैगिंग आप देख पाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन से ईयर में कौन से पॉइंट और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिया गया है, इट मीन बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप इन बुक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प आपकी रहेगी, साथ ही साथ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी आपके लिए बुक हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए आगे चलते जाएंगे तो जैसे कि आप देखेंगे इनके फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट के क्या कुछ फंक्शन है, ये आपको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन टेबल फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। ऐसी सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है टैगिंग के साथ, कलर डायग्राम का यूज़ किया गया है जैसे आप आगे देख पाएंगे, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप आसानी से इनको समझ पाएंगे और इजी से रिमेंबर इनको रख पाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो ऐसे ही आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में जितने भी टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट की यदि हम बात करें तो इनको इमेज के थ्रू बताया गया है। सभी टेस्ट को पर्टिकुलर यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉलिस टेस्ट के ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगी ईजी वे में। साथ ही क्या कुछ कलर डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे केमिकल टेस्ट को क्या कुछ किया गया है कलर के थ्रू इंडिकेट भी किया गया है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कौन से टेस्ट में क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है, कौन सा कलर यहाँ पर अल्टीमेटली आपको ऑब्टेंड हो रहा है। ये चीज़ें आप यहाँ पर इमेज के थ्रू याद रखेंगे, कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है तो कलर आपको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहने वाली है। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो पाथवेज हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का, उनको यहाँ पर सेपरेट किया गया है। जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है, सिंथेटिक पाथवे है, कितने सुंदर वे में यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, सभी टेस्ट को आप देख सकते हैं, पाथवेज आप देख सकते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनको यहाँ पर टेबल फॉर्म में दे दिया गया है, जिससे कि आप एग्जैक्टली याद रख पाएंगे कि कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कौन से स्टेप में क्या कुछ एंजाइम रिक्वायर हो रहा है, सारी चीज़ें आपको यहीं पर से आइडिया हो जाएगी। अब सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे इस पर्सनली इस मॉड्यूल में बहुत ही सुंदर लगी है, आप भी देखेंगे तो ज़रूर से आप देख पाएंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसको स्टडी करने में। देखेंगे जैसे कि हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से निमोनिक्स ट्रिक का यूज करके इन पाथवे को समझाने का कोशिश किया गया है, क्योंकि हमेशा ही ये पाथवे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पर हम स्टेप रिमेंबर रखने को
दिक्कत होती है। तो अब ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आप स्टेप भी आसानी से समझ पाएंगे, जिसके लिए ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए फनी फनी ट्रिक्स दिया गया है जिससे कि आपको पढ़ने में कोई बोर फील ना हो और आप आसानी से सारे स्टेप के साथ इन साइकिल को याद रख पाएं। जैसे कि बात करें ग्लाइकोलाइसिस, देन उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों ही आप देख सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है और साथ ही ट्रिक के साथ इनको और भी आसान बना दिया गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सारे साइकिल, मेटाबॉलिज्म पाथवेज और साथ ही साथ इनकी क्लासिफिकेशन को याद रख पाएंगे ट्रिक्स निमोनिक्स के हेल्प से। आगे चलते जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ ही साथ, आगे यदि हम बात करें लिपिड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड चैप्टर में लिपिड, तो लिपिड के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आगे चलते जाएंगे तो इमेज के साथ आप समझ पाएंगे कि लिपिड के क्या कुछ कंपोजिशंस हैं। आगे चलते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट, इसी प्रकार से सभी में केमिकल टेस्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में केमिकल टेस्ट से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे चलते जाएंगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हैं कि लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कुछ इफेक्ट इनका होता है, ये आप आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें रिमेंबर भी रहेंगी। आगे चलेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इनका भी आप स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में यहाँ पर इनको समझ पाएंगे, कितना कुछ यहाँ पर एटीपी जनरेट होता है ये भी आपको टेबल फॉर्म में टू द पॉइंट दे दिया गया है जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप आसानी से इनको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। आगे चलते जाइए, देखते हैं ये बात हो गई लिपिड की, वैसे ही हम बात करें यदि यहाँ पर प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी टैगिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखने के लिए आपको ट्रिक दिया गया है। देखेंगे कटप्पा जी का ट्रिक दिया गया है, VIP हॉल का ट्रिक दिया गया है जिससे कि इनका डिफरेंस आप हमेशा ही याद रख पाएंगे, कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को आसान बनाया गया है, स्ट्रक्चर जहां पर दिए गए हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं जिससे कि आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। इनके जो मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं उनको भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया गया है, यहाँ पर आप देखते जाएंगे। आगे हम चलते जाते हैं, वीडियो में पूरी मॉड्यूल को दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते जाएंगे। जैसे कि टेस्ट फॉर प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटली इनको टेबल फॉर्म में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल कलर, ब्लू कलर, मीन्स कलर को हाईलाइट करके यहाँ पर इंडिकेट किया गया है जिससे कि आपको ये लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहेंगी। आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हैं, यूरिया साइकिल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है, कोई कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर नहीं होगी। फिर बात करें न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंप्लीफाइड वे में पहले DNA क्या है, RNA क्या है, इनको समझाया गया है, इनके स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में इस चीज़ों को आप समझ पाएंगे, अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इसी प्रकार से आगे आप चलेंगे तो विटामिंस को कंप्लीटली यहाँ पर दिया गया है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या कुछ होता है, इनका केमिकल नेम क्या कुछ है, सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी गई है, कौन से हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस, कौन से हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिंस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं वो भी ट्रिक के थ्रू, तो आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। देखिएगा किस प्रकार से डेफिशिएंसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इमेजेस के थ्रू कि क्या कुछ होता है, जैसे कि पेलेग्रा क्या है तो आप यहाँ पर से समझ पाएंगे किस प्रकार से इनमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, डर्मेटाइटिस क्या है तो क्या सिम्टम यहाँ पर नजर आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो थी आपकी बायोकेमिस्ट्री की बात, अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की ओर। बायोटेक्नोलॉजी में आप देख पाएंगे सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट इनका कंट्रीब्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में है इनको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इनकी नेम और इनकी डिस्कवरी जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे इनको आप ध्यान दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही है, तो क्या कुछ होता है कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, इनको यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप टैगिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं, सिंप्लीफाइड टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको टेबलर फॉर्म में यहाँ पर इनलिस्ट कर दिया गया है। इन सभी चैप्टर्स को स्टैंडर्ड बुक के हेल्प से बनाया गया है, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पे बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो कल्चर मीडिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है इनको टेबलर फॉर्म में लिस्ट
कर दिया गया है। आगे चलते जाएंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं एनिमल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख पाएंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को समझाया गया है और जिनसे क्वेश्चन भी आया हुआ है जीपेट 2022 में, तो इनको आप यहाँ पर से अच्छे से समझ पाएंगे। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको सिंप्लीफाइड वे में स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल है उनको बताया गया है। साथ ही इनके बाद इनका एंजाइम जो यूज होते हैं रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में, इनको टेबलर फॉर्म में इनलिस्ट कर दिया गया है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर से बन सके। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो थेरेपेटिक एजेंट्स डिराइव किए गए हैं इनको टेबल फॉर्म में इनलिस्ट कर दिया गया है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप डायरेक्टली यहाँ पर से याद रख पाएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से। चलिए डायग्राम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का जिससे कि आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से इनकी वर्किंग है। माइक्रोबायोलॉजी पर आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन दिया गया है, सबसे पहले क्या कुछ इनका बेसिक होता है माइक्रोबायोलॉजी ये आप समझ पाएंगे यहां पर। आगे चलते जाएंगे तो आप कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे और क्या कुछ कब डिस्कवर किया गया था इनके बारे में आपको यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है कि किस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, इनको आप समझ पाएंगे। फिर हम आएंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की और, तो यहां पे आप देख पाएंगे प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इनका डेफिनेशन और डिफरेंस इनमें दिया गया है। माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इमेज के साथ और इनके क्या कुछ डिस्क्रिप्शन है ये आपको पूरी तरीके से देखने को मिलने वाली है। जो आप यहां पर देख सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, सभी चीजों को इंक्लूड यहां पर किया गया है इनके इमेजेस के साथ, तो आपको यहां पर समझने में आसानी होगी। इमेज देखेंगे तो आइडिया होगा कि किस प्रकार से इनकी वर्किंग होती है, इनका क्या कुछ प्रिंसिपल है। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कवर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली कि इनका क्या कुछ वर्क होता है, तो आप स्ट्रक्चर के बारे में समझ पाएंगे। फिर यदि हम चले क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इमेज के थ्रू और टेबल के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। इनके क्लासिफिकेशन आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनके पार्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, सभी चीजों को यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटने वाला, आप आसानी से सारे टॉपिक को यहां पर कवर अप कर जाएंगे। आगे चलेंगे स्टैनिंग टेक्निक, स्टैनिंग टेक्निक को भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है, बेसिक स्टैनिंग, एसिडिक स्टैनिंग, ग्राम स्टैनिंग, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, आप इनसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली। एसिड फास्ट स्टैनिंग, कैप्सूल स्टैनिंग, सभी स्टैनिंग को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आपको आसानी से यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे चलते जाएंगे, इसी प्रकार से वायरस, वायरस के क्लासिफिकेशन, इनको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरस से होने वाले जो डिसीज हैं इनका आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलने वाला है, और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको आसानी से यहाँ पर से याद रख पाएंगे। वैसे ही फंगस की बात करें, ये इंक्लूड किया गया है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, इनको यहाँ पर दिया गया है। स्टरलाइजेशन कि जितने भी मेथड है, फ्लो चार्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फ्लो चार्ट दिया गया है, इनसे आप समझ सकते हैं। आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे मॉस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, मैकेनिकल स्टरलाइजेशन है, केमिकल स्टरलाइजेशन है, सभी चीजों को इंक्लूड यहां पर किया गया है। डिसइंफेक्टेंट है, तो इनका क्लासिफिकेशन और इवेल्युएशन आप यहां पर से देख सकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख पाएंगे एसेप्टिक टेक्निक में जो आपके हेपा फिल्टर्स हैं इनके बारे में बहुत यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीटली इनको दिया गया है, इनके सभी पैरामीटर्स को आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही क्लीन रूम क्या कुछ है ये आपको दिया जाता है, एसेप्टिक एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको टेबलर फॉर्म में कंप्लीटली यहां पर मिलने वाली है। फिर बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे से। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे मेथड क्या कुछ होते हैं, जैसे कि आपके टर्बिडीमेट्रिक मेथड है, सिलेंडर प्लेट मेथड है, तो इनको बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर यदि हम चलते हैं कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इनके
ऐसे में, तो इनको भी टेबलर फॉर्म में दे दिया गया। और आप देख सकते हैं टैगिंग के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़रूर से इनको आप स्टडी करिए, आप देख पाएंगे इनमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिस नहीं मिलने वाला। तो ज़रूर से आप प्रिफर करिए मॉड्यूल्स को जो कि आपको अवेलेबल होगी GDC प्राइम कोर्स के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर जाकर आप विजिट करिए। सैंपल PDF भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो कलरफुल मॉड्यूल है कितनी कुछ खास है, जो कि आपके स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएगी और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को आसान बनाएगी और लॉन्ग टाइम तक आप सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रख पाएंगे। ऑल द बेस्ट।